राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार इन दिनों कांग्रेस पार्टी के ही निशाने पर आ गए हैं। वजह है उनका गौतम अडानी पर दिया गया हालिया बयान। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी की नेता अलका लांबा ने भी पवार पर निशाना साधा। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से शरद पवार और गौतम अडानी की एक पुरानी तस्वीर शेयर की है। हालांकि उन्होंने अपने ट्वीट में दोनों का नाम लेने से बचने की कोशिश की। वहीं दूसरी ओर अलका लांबा के इस ट्वीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी कमेंट किया है। उन्होंने ट्वीट कर पूछा कि क्या ये कांग्रेस का आधिकारिक बयान है? आखिर पवार अडानी की इस फोटो पर अलका लांबा ने ऐसा क्या कह दिया जिस पर बीजेपी प्रवक्ता पूनावाला ने कांग्रेस से सवाल किया है? कांग्रेस नेता अलका लांबा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर साझा की है। उस तस्वीर में एनसीपी प्रमुख शरद पवार और गौतम अडानी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अलका लांबा ने अपने ट्वीट में दोनों का नाम नहीं लिया। लांबा ने लिखा कि डरे हुए लालची लोग ही आज अपने निजी हितों के चलते तानाशाह सत्ता के गुड़ गा रहे हैं। देश के लोगों की लड़ाई एक अकेला राहुल गांधी लड़ रहा है। पूंजीपति और चोरों को बचाने वाले चौकीदार से भी तस्वीर देखकर लग रहा है कि यह कोई पुरानी तस्वीर है। अलका लांबा के ट्वीट के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस और एनसीपी से सीधा सवाल किया। पूनावाला ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं हैरान हूँ, क्या यह कांग्रेस की आधिकारिक स्थिति है? अलका लांबा ने शरद पवार पर सीधा हमला किया है। उन्होंने पवार को लालची और कायर बताया है। एक महाराष्ट्रियन होने के नाते मैं काफी हैरान हूँ, क्या यह कांग्रेस का आधिकारिक बयान है? इस ट्वीट पर एनसीपी क्या कहना चाहेगी? डिलीट करने से पहले यह रहा उनका ट्वीट। अलका ने बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने शरद पवार को लेकर जो भी टिप्पणी की वह उनकी पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है। आधिकारिक बयान उनकी पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट से जारी किया जाता है। अलका ने लिखा, मैं एक कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ, मेरे ट्वीट मेरे निजी हैंडल पर स्वतंत्र विचार है। उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही मेरी है। पार्टी में लोकतंत्र है और हर किसी को अपने विचार रखने का अधिकार है। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान जब शरद पवार से अडानी विवाद में जेपीसी जांच को लेकर सवाल किया गया था तो जवाब में बताया था कि आखिर वह जेपीसी क्यों नहीं चाहते हैं। एनसीपी चीफ ने कहा था कि जेपीसी में सत्ताधारी दल का वर्चस्व होगा और इसीलिए सच्चाई सामने नहीं आएगी, इसीलिए वह जेपीसी नहीं चाहते हैं। एक जमाना ऐसा था कि उस जमाने में हम हमेशा किसी से जम करना हो तो टाटा बिरला का नाम किसी से करते थे। आजकल टाटा बिरला का नाम लेते नहीं और दूसरा देशवासियों को भी पता लगा है, अंदाजा है कि टाटा का भी देश में कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसलिए आजकल अडानी अंबानी नाम लेते हैं तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है किसमें, इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। दूसरी बात आज मुझे लगता है कि हमारे सामने दूसरे इशू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा प्राइस राइज और तीसरा फार्मर्स किसानों की समस्या। ये तीन मेजर इशू आज देश के सभी लोगों के सामने है। इस बारे में अपोजिशन के नाते से हमें ध्यान देना पड़ेगा, हम देंगे और इससे ज़्यादा इस इशू पर कोई बोलने की आवश्यकता है ऐसे मुझे लगता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।